आज की प्रेस वार्ता विशेष इसलिए है कि आज की हमारी सर्व समाज की महापंचायत थी। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी पधारे, नेता प्रतिपक्ष राठौड़ पधारे, घनश्याम जी तिवाड़ी जी आए और तीनों लोग यहाँ आए। हमारे नेता ने भाषण दिया और उनके भाषण से हो चाहे उनके बात से प्रभावित होके मेरे बड़े भाई भंवर अजीत सिंह जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उसके साथ आज सिर्फ कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, जितनी कुर्सियाँ लगी थी इतने लोग और खड़े थे। कार्यकर्ता अम्बार समर्थन मिल रहा है और इसके साथ साथ लगभग एक महीना हो गया मेरे को चुनाव प्रचार में जाते हुए। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक कार्यकर्ता मेरे सामने बोला नहीं कि आपने ये काम नहीं किया, गया आप सुख दुख के साथ ही नहीं रहे। बाकी तो हम राठौड़ साहब के साथ मैं पिछले 35 साल से हूँ, कहीं ना कहीं हमारे सामने सामने की बात कहीं ना कहीं हो जाती है। ये पहली बार देख रहा हूँ शहर में गांव में इतना समर्थन मिल रहा है कि रात की 11:30 भी मेरी मीटिंग बजते हैं। 9 बजे की मीटिंग में घोड़ी और डीजे से बजा के नौजवानों का इतना उत्साह है और नौजवानों इतना अंडरकरंट है कि जब वोट डालेंगे जब ढोलकी के अंदर उनको पता चलता है रफीक जी को कैसे क्या होगा। अब रफीक जी कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ सेवा करने के लिए आया हूँ। पिछले 15 साल से इस बाप बेटे की पार्टी ने इस चूरू को चारागाह बना रखा है। कांग्रेस के पास कोई आदमी नहीं है, इसलिए ऐसी बात देख के कई पदों पर रहकर भंवर अजीत सिंह क्यों आए हैं कि कांग्रेस में सिर्फ पैसे से टिकट मिलती है, इसलिए खपा होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आप कह रहे हैं पिताजी ने तो बम्बई बनाई, मैं चंडीगढ़ बनाऊंगा। और फिर किसने कह दिया यहाँ कि आप ऐसे कह दो कि मैं नहर लाऊंगा। 15 साल में कुआं नहीं खुदाया, नहर तो बहुत लंबी बात है। इनको ये पता नहीं है, इस कागज से इधर पकड़ते हैं, बाप बेटे इधर से पकड़ लेते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज में लाया। मैं पत्रकार बंधु को कहना चाहता हूँ अगर मेडिकल कॉलेज रफीक मंडल है, हाजी मुकुल मंडल है तो मैं निर्विरोध विधायक मान लेता हूँ। कहीं शर्म तो करूँ, कौन से राज में खुली, किसने खोली, क्या किया क्या नहीं किया। तो मेरा तो आशा इतना ही निवेदन है आपसे, मेरा चुनाव हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। हर कार्यकर्ता गाँव और ढाणी और शहर में जिस तरह का मनोबल मेरे साथ है, उत्साह उनके साथ उनका देखा है, तो ये चुनाव आंधी आई है तूफान बन के 25 तारीख को मंडेलिया जी को मुंबई जाना पड़ेगा।